दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि खबर आने से पहले आप मध्य प्रदेश के अपने शिवराज मामा को बधाई दे दीजिए। वैसे तो शिवराज मामा शुरू से शानदार काम करते आए हैं, व्यापम से लेकर खनन घोटाला, कन्यादान योजना से लेकर किसान कल्याण योजना में घपला, इस तरह के कई शानदार काम का क्रेडिट पहले से शिवराज मामा के खाते में है। लेकिन उनकी नई योजना इतनी जन कल्याणकारी है कि उसके बारे में पोस्टर लगाकर आप पब्लिक को बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए, यही है वो पोस्टर और यही है उनकी नई योजना जिसकी चर्चा आज मध्य प्रदेश के हर जुबां पर हो रही है, हर जगह हो रही है, रेलवे स्टेशन, सड़क, बस स्टैंड, हर शहर में। 50% लाओ, फोन पे काम कराओ, किसी भी तरह का काम हो बस 50% पेमेंट करो और फोन पर काम करा दो। और मामा को 50% पेमेंट करने के लिए किसी तरह की भाग दौड़ की जरूरत भी नहीं है। पोस्टर पर UPI कोड भी, मामा की तस्वीर के साथ एक्सेप्टेड मामा भी लिखा हुआ है। शिवराज मामा के इस कैशलेस करप्शन स्कीम की निश्चित रूप से तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मामा की इस स्कीम में जनता जनार्दन की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। उनके समय की कीमत को ध्यान में रखते हुए जो फोन पे ऐप है उस पर ही पेमेंट की सुविधा भी दी गई है, इस पोस्टर में हर जगह दिख रहा है। अपनी नई स्कीम में शिवराज मामा ने अपने बदनाम बिचौलिया तंत्र को भी जो है वो उसकी छुट्टी कर दी है। दरअसल मामा के बिचौलिए बहुत थे और बहुत बदमाश भी थे। सूत्रों से जो खबर मिलती थी उसके मुताबिक बिचौलिए लोगों से लेते थे 50% कमीशन और मामा को पकड़ा देते थे 30%। कई बार तो वो लोगों से पेमेंट लेकर उनका काम भी नहीं कराते थे और ऐसे मामलों की वजह से शिवराज मामा की बहुत बदनामी हो रही थी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से शिवराज मामा ने अपनी इस नई स्कीम से बिचौलियों की छुट्टी कर दी। शिवराज मामा मोदी जी से कितने प्रभावित हैं ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं। मोदी जी की सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के शिवराज मामा ने भी सीधे CM से डील की सुविधा जनता को प्रदान की। मोदी जी की कृपा से आजकल लोगों के पास कैश की कमी होती है, होता ही नहीं है, लिहाजा मामा ने पब्लिक को डिजिटल पेमेंट की सुविधा दी है। कायदे से इतनी सारी खूबियों की वजह से कांग्रेस को मामा की इस कैशलेस करप्शन स्कीम की थोड़ी बहुत तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार मामा तो गयो। रीवा की सड़कों पर शिवराज का भ्रष्टाचार, 50% लाओ, फोन पे काम कराओ। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, 50% कमीशन खोरों को पहचानती है। ये रीवा के अलावा हर जगह, भोपाल हो, कटनी, हर जगह, हर सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, बाजार में लगा हुआ है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के इस वार से मामा विचलित नहीं हुए हैं। कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए उन्होंने बाकायदा कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ भी एक पोस्टर जारी किया। लेकिन दोस्तों इस मामले में शिवराज मामा को कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला। सबूत जब नहीं मिला तो मामा का जो कमलनाथ जी के खिलाफ अभियान था वो रुक गया। सबूत की तो बात छोड़िए, एक फर्जी मामला भी कमलनाथ जी के टेन्योर के दौरान नहीं मिल रहा है। अब मामा बहुत परेशान है। मामा परेशान नए 50% कमीशन सरकार को लेकर है और कांग्रेस इस बार कह रही है कि मामा तो गए। नमस्कार।